अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक होंगी। वेल, आज मैं बना रही हूँ आलू रायरी, जिसको आप टमाटर वाले चावल भी कह सकते हैं या आलू तहरी भी कह सकते हैं। इसमें सिर्फ टमाटर ऐड होते हैं, इसमें प्याज वगैरह नहीं डालते। रेसिपी की तरफ आएँ तो यहाँ मैंने 1 किलो चावल लिए हुए थे, जो मैंने 3-4 घंटे से भिगोए हुए थे। और यहाँ पे टमाटर हैं 4 बड़े, और साथ में मैंने लहसुन ऐड किया हुआ है, 1/2 किलो से थोड़े कम आलू हैं। यहाँ मैं ज़ीरा ब्राउन कर रही हूँ और इसमें मैं आलू ऐड कर लूँगी। जब इनका कलर चेंज हो जाएगा आलू का, तो हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। टमाटर में हमने सिर्फ नमक, लाल मिर्च, काली मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और तेज़पात डालना है। अगर आपके पास बिरयानी मसाला थोड़ा सा अवेलेबल हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं फ्लेवर के लिए, और कनौर क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनको दम पे रख देना है, और ये दोनों चीज़ें यहाँ पे वेल कुक हो गई हैं। अब इनको थोड़ा सा हमने भूनना है, और साथ में चावल ऐड कर लेने हैं। चावलों में पानी आपने अंदाजे का डालना है। मैंने यहाँ पर 3 से 4 कप डाले हैं, और मैं इनको बॉयल करने रख दूँगी। 10 से 15 मिनट ये अपने लो स्टीम में पकेंगे, और फिर हम इनको दम पर रखेंगे। यहाँ मैंने इसको दम लगा दिया है 1/2 घंटे के लिए, और फिर 1/2 घंटे बाद देखते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। तो माशाल्लाह से ये इसकी फ़ाइनल लुक है। चावल बहुत खड़ा खड़ा आया है। दम में मैंने सिर्फ गरम मसाला ऐड किया है, और कुछ ऐड नहीं किया, और थोड़ी सी हरी मिर्ची ऐड की है। टेस्ट में भी बहुत अच्छे थे, और बहुत ज़्यादा अच्छे लगे हैं सबको। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दुआ में याद रखेगा, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देगा।